हेलो फ्रेंड्स, जेम के एजुकेशन ट्यूब में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट आकांक्षा नया वीडियो लेकर फिर हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम MPDLED के सिलेबस पर चर्चा करेंगे। सेकेंड ईयर का सिलेबस है, जिसकी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगी। PDF स्क्रॉल करके दिखा दूंगी, आप पूरा सिलेबस यहाँ से देख सकते हैं। MP में सेमेस्टर वाइज नहीं होता है DLED, दो द्वितीय वर्षीय होता है, यानी 2 वर्ष का होता है। एक पहले साल में एग्ज़ाम होता है, फिर दूसरे साल में एग्ज़ाम होता है। तो ये दूसरे साल का सिलेबस है, जिसमें सैद्धांतिक पाठ्यक्रम यानी जो पहले साल में होते हैं वो 1 से लेकर 7 तक होते हैं। फिर दूसरे साल के पेपर का नाम 8, 9, 10, 11 से ऐसा करके 17 तक होता है। तो ये सैद्धांतिक पाठ्यक्रम है और ये व्यवहारिक है, यानी ये आपके प्रैक्टिकल फाइल्स बनेंगी, जिसमें आपको कंप्यूटर शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, भावनात्मक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा विभाग, कला शिक्षा, अंग्रेजी भाषा, तृतीय भाषा, विज्ञान विषय, सामाजिक विज्ञान, इन सब के आपको प्रोजेक्ट बनाने होते हैं। यदि आप इन सब के प्रोजेक्ट चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं जल्द इनके प्रोजेक्ट के वीडियो भी आपके लिए अपलोड करूँगी। फिर आपको ये प्रश्न पत्र है, जो प्रश्न पत्र 8 है, वो सामाजिक सांस्कृतिक परिपेक्ष में संज्ञान एवं अधिगम है। इसके अंतर्गत आपको शिक्षा मनोविज्ञान से रिलेटेड टॉपिक हैं, जिसमें शिक्षा मनोविज्ञान, संज्ञान एवं अधिगम, व्यक्तित्व विकास में खेल की भूमिका, भाषा एवं संचार, आत्मज्ञान एवं नैतिक विकास। तो इनके भी मैं कुछ क्वेश्चन तैयार कर रही हूँ, तो वो भी मैं आपके लिए अपलोड करूँगी जल्दी। तो यदि आप MP से नहीं भी हैं तो भी आपके काम आएंगे, क्योंकि आपको DLED में सिलेबस तो यही रहेगा। आगे पीछे होते हैं टॉपिक, अलग अलग बुक्स नाम से सब्जेक्ट बना दिए जाते हैं, लेकिन आपको रहेगा तो मनोविज्ञान वही। तो मैं आपको ये उसमें भी एक्सप्लेन करूँगी, तो आपके भी काम आएगा। नौवा पेपर है शिक्षक एवं शालाएं संस्कृति। 10वां पेपर है शालाएं संस्कृति, नेतृत्व एवं परिवर्तन। 12वां विषय है संस्कृत भाषा शिक्षण। पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश, पर्यावरण अध्ययन, 13वां प्रश्न पत्र। 14वां प्रश्न पत्र है सामाजिक विज्ञान शिक्षण, जिसका SST रहता है। उसमें तो क्या बोलते हैं, BEd में तो जिसका SST होता है उसको SST पढ़ना होता है, साइंस वाले को साइंस, और भी जो इसके सब्जेक्ट होते हैं वो पढ़ता है। लेकिन यहाँ पे जो DLED होता है वहाँ पे सब कंपलसरी होते हैं, यानी सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, गणित, सभी को सब पढ़ना पड़ते हैं। विज्ञान शिक्षण प्रश्न पत्र 15, गणित शिक्षण प्रश्न पत्र 16। यदि आप इसके वीडियो चाहते हैं तो भी मुझे कमेंट करके बताइए, गणित में आपको टॉपिक वाइज करा दूंगी सॉल्व। विविधता समावेशित शिक्षा और जेंडर, ये DLED BEd दोनों के सिलेबस में है। BEd में समावेशी शिक्षा और जेंडर नाम का पेपर है, और इसमें भी विविधता समावेशित शिक्षा और जेंडर है। थोड़ा सा ही अंतर है थ्योरी में, कम और ज़्यादा का, बाकी सेम ही है ये पेपर दोनों के लिए। तो यदि इसके भी आप नोट्स चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, हम इसके भी नोट्स आपको जल्द ही प्रोवाइड कराएंगे। लगभग मेन टॉपिक के तो हम करा ही देंगे आपको। कंप्यूटर शिक्षा जो व्यवहारिक, जो प्रैक्टिकल है उसके अंतर्गत है। इसमें टॉपिक वाइज आपको फाइल तैयार करनी होती है, इस कॉलेज से ही टॉपिक दे दिए जाते हैं और आप इन पे अपनी प्रोजेक्ट फाइल तैयार करते हैं। एक स्वास्थ्य, स्वच्छता, भावात्मक विकास एवं शारीरिक शिक्षा, इसकी भी आपको फाइल बनानी होती है, जिसमें ये टॉपिक होते हैं। कला शिक्षा, इसकी भी फाइल बनानी होती है, ये फाइल BEd में भी बनती है 3rd सेमेस्टर में, और DLED में ये 2nd ईयर में बनती है। फिर ये पब्लिकेशन जिसका हमने सिलेबस आपके लिए लेके आए हैं, उसकी कुछ बुक्स के बारे में है। यहाँ पे हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगता है लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए। इस तरीके के नॉलेज पर या पेपर सिलेबस या और भी कुछ इस टाइप के वीडियो आप चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए। यदि हमारे पास मटेरियल होगा तो हम उसका वीडियो जल्द से जल्द अपलोड करेंगे बनाकर। धन्यवाद। जय हिंद।